Spin quantum numbers are half odd integers. A Fermi Dirac sets so one particle solution. In the spin quantum number half odd integer that is the constant. The state functions of these particles. The state functions of these particles. Poly exclusion principle. According to Poly exclusion principle, more than two phase points. Cannot be in each subshell of volume H cube. Subshell of the question we are This arrangement controls the electrons. There is quantum number of any electron. Cannot be same. Same quantum number of electrons.
हाफ में डिवाइड कर दिया है, जितने भी सबशेल्स के नंबर है उनको डबल कर दिया है।
सो दैट एक सेक्शन में एक ही स्ट्रेस पॉइंट रहेगा. बस समझ में आई है इसकी सबसे समझ आ गई. अरे ये एक शेयर है जो फिक्स पॉइंट है. फिक्स पॉइंट में बहुत सारे क्या है शेयर्स हैं. उस शेयर को हमने किससे डिवाइड किया है सब शेयर. अगर शेयर का वॉल्यूम एच है, अगर पूरी शेयर का वॉल्यूम एच है और उसे अगर बहुत सारे सब शेयर्स में डिवाइड किया है और हर एक सब शेयर का वॉल्यूम एच है तो सब शेयर्स का नंबर एक परसेंट लेकिन हमने क्या किया डबल कर दिया है. मतलब सबशेल का भी डिवाइडेशन कर दिया तो मैं किसी भी किसी पर्टिकुलर सबशेल में एक फिक्स पॉइंट हो तो नंबर ऑफ सबशेल डबल हो जाएंगे कि नहीं. तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ सबशेल. क्या ये बात है लर्न द नंबर ऑफ सबशेल इवन सेल ऑफ गेटिंग ई आई टी जी आई वेल जी आई एफ को इस तरह से आएंगे नहीं. देखो अगर जैसे हमारे पास एक सेल है ठीक है उस सेल को हमें डिवाइड करके फंक्शन चाहिए ठीक है. मैं जब देखती हूं एक सेल है हमारे पास उसका वॉल्यूम है h. उसे हमने दो सबशेल्स में डिवाइड किया ठीक है. दो सबशेल में डिवाइड कर दिया. अब हर एक सबशेल में कितनी कितनी फेस मार्क आ सकते हैं दो दो 500 स्टेटिक्स के हिसाब से क्योंकि वो पॉलीएक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो करता है ठीक है. इसमें भी दो फेस पॉइंट आ सकते हैं और इसमें भी दो फेस पॉइंट आ सकते हैं और यहाँ पे नंबर ऑफ सबशेल क्या हो जाएगा एच और एच क्यू. यस सर. अब हमने क्या किया है कि हमने सोचा कि एक फेस पॉइंट को किसी पर्टिकुलर एक ही सबशेल में रखने के लिए हमने सबशेल को दोबारा से डबल कर दिया और इसीलिए नंबर ऑफ सबशेल बस ये सुनाओ. अब मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्टिकुलर सबशेल में दो फेस पर डाल सकते हैं ठीक है. लेकिन हम क्या चाह रहे हैं कि एक सबशेल में एक फेस पर डाल ठीक है. तो हमने उसको फोर में डिवाइड कर दिया. इसकी भी चार हो गए यहाँ पे सबशेल का नंबर जी आई कुछ फोर हो गया और उसका मैच भी कर दो बस से फेस पे चार सारी बात एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स ऑन फेस पॉइंट मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स ऑन फेस पॉइंट maximum number of quantum states or phase point in a shell will be gi. In a shell will be gi. अब इसको ये ऐसे क्या सॉरी अगर ये हां ठीक है. देखो उस पे क्या था कोसाइन सीन में अगर हमारे पास एक शेल है उस शेल को अगर हमने चार पांच में डिवाइड किया तो हम यहां पे पांच फेज पॉइंट भी रख सकते थे छह भी रख सकते थे सात भी रख सकते थे. क्यों? क्योंकि हम वहां पे एक ही सेक्शन में तीन या चार या पांच भी रख सकते थे इसमें वो साइंस शीट में ठीक है. लेकिन यहाँ पे क्या हो गया है कि किसी पर्टिकुलर एक सेक्शन में सिर्फ एक ही फेस पॉइंट आएगा. इसीलिए अगर जी आई सेक्शन है तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ फेस पॉइंट जी आई उससे ज्यादा नहीं आ सकता है कि नहीं.
If each
section cannot have more than one page point. More than one page point. Thermodynamic probability
For ith and jth cell case, thermodynamic probability for ith and jth cell is wi kitna ho jayega 4 aur wj kitna ho jayega 4 aur total probability kya hoti hai wi into wj ya koi short side hote hain uska bhi maine bata diya theek hai so wi equals to 4 and wj equals to 4 aur ye hai char tarike that theek hai clear Therefore, total thermodynamic probability. Therefore, total thermodynamic probability Therefore, total thermodynamic probability of a macro state is कितनी हो जाएगी? W I into 4 into 4 equals to 16. केवल तभी जब दो सेंस है ना दो से ज़्यादा सेंस भी तो सबकी thermodynamic probability का क्या होता है उसमें? ठीक है? अरे बोझ ना हो यार कुछ तो बोल दो factorial for our factorial 3 experiment में चाह रही थी क्या just last में image spread रखने के लिए this thermodynamic property is different this thermodynamic probability is different from this thermodynamic probability is different from W equals to 4. W equals to 4 bracket में in Maxwell-Boltzmann statistics. In this thermodynamic property is different from W equals to 4 in Maxwell-Boltzmann statistics and W equals to 8 in Einstein statistics. इन तीनों को आपस में कंपेयर करके फॉर्मूले में आपके अच्छे रहेगा। देन डब्ल्यू इक्वल्स टू 4 इन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। 4 तो किस में आएगी? मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में एंड बोसाइंसी स्टैटिस्टिक्स। रिपीट करना है। दिस थर्मोडायनामिक from W equals to 4 in Maxwell-Boltzmann statistics and W equals to 80 in statistics. और ये particular अभी जो चल रहा है वो क्या है? क्वार्टरली ब्रेक्स. इसमें W कितना आया? 16. तीन आए हैं, ठीक है? तीनों को compare करोगे? कैलकुलेशन बाद में करते हैं क्योंकि सभी का कभी कुछ था लास्ट में एंट्रोपी से ना हम नहीं करेंगे ना या तू नहीं करेगा इस पहले का जो तू इस लास्ट में हाँ
Okay.
नहीं नहीं ये तो नहीं तो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ डायरेक्टली ठीक है डायरेक्ट मतलब मैं बोल रही हूँ पार्टी के किसी पर्टिकुलर शहर में जीआई शहर से जीआई शहर में तो किसी पर्टिकुलर शहर को फिक्स कर दिया तो उस जीआई में फेस पॉइंट आ गया तो बाकी की जीआई माइनस वन में कितने फेस पॉइंट रह जाएंगे एन आई माइनस टू सो दिस विल गोस आउट तो फिर क्या होगा किसके लिए जीआई जीआई माइनस वन ये तो ज्यादा मल्टीप्लाई होकर आता है कि नहीं मल्टीप्लाई तो ये होता है gi minus 2 और ये लिटिल गो फ्रॉम ये जाएगा n i ये जाएगा देखो n i minus 1 है कि नहीं n i minus 1 कट जाएगा लास्ट में n minus 1 minus करेंगे तो gi minus 9 plus 1 जाएगा और फिर सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो वही आ जाएगा और फिर बाद में डिवाइड करेंगे तो वही आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ इंडिस्टिंग्विशेबल अरेंजमेंट्स द टोटल नंबर ऑफ इंडिस्टिंग्विशेबल arrangements of ni particles indistinguishable arrangements of ni particles in gi subshells in gi subshells that is thermodynamic probability that is thermodynamic probability क्या का मतलब जो पहले था ना देखो जो मैं बताई थी वो क्या आ रहा था बड़ा कुछ से लेकर नहीं मैं आपने ना जितने देखे फाइनल रिजल्ट देख के आ रहा हूँ
क्या हो जाएगा
Thank you.